क्लास में आज हम लोग आते हैं एनिमल टिश्यू। कल हम लोग देखे थे प्लांट टिश्यू, अब जंतु ऊतक। वैसे ऊतक जो जंतुओं में पाए जाते हैं या जिनसे जंतु के अंगों का निर्माण होता है, ऐसे ऊतक जंतु ऊतक कहलाते हैं। जैसे प्लांट में आप देखे थे कि टिश्यू दो तरह का था, एक तो रिपोजिटरी था और एक परमानेंट था। इसमें ऊतक जो है, कुछ ऊतक ऐसे होंगे जो स्किन को बनाने का काम करेंगे, कुछ ऊतक ऐसे होंगे जो पेशी बनाएंगे, कुछ ऊतक ऐसे होंगे जो बोन्स बनाने का काम करेंगे। तो इस हिसाब से एनिमल टिश्यू भी कई तरह के होते हैं और एक एक करके हम लोग सारे टाइप्स को पढ़ेंगे ताकि एनिमल टिश्यू के ब्रीफ कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। सबसे पहले एपिथेलियम ऊतक आते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं। यह ऊतक आप अपने स्किन के जो बाहरी आवरण को देखते हैं, ये सभी क्या है, एपिथेलियम ऊतक का बना हुआ है। ठीक है, त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनियां का जो स्तर होता है, लेयर जो ऊपर का बनता है, फेफड़ों की जो कुपिका बनती है, द्वितीय नली, ये सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये परत दर परत अनवरत परत का निर्माण करती रहती है और इन परतों को चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। तो जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। क्लियर हो गया? क्योंकि अंतर कोशिकीय स्थान कम है तो परत से ही ऊपर गुजर जाएगा। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका मुख्य काम समझ गए साथ ही, या तो बाहर का लेयर है तो बाहर में क्या करेगा, सुरक्षा कवच देगा, सहारा भी देगा, सुरक्षा कवच का काम करेगा। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य वेश्यधार आधार झिल्ली उसे ऊपर नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। अब बाहरी झिल्ली में ही बाल पाया जाता है, रोम पाया जाता है, भीतर वाले में रोम नहीं पाया जाता, तो यही अलग करती है उसको। ठीक है, अब ये एपिथेलियम ऊतक भी अपने जो शेप इसका होता है, शेप के हिसाब से इसको कई भाग में बांटते हैं। जो सल्क की तरह दिखता है उसको सल्की एपिथेलियम, जो घन घन समझ गए, छह उसमें आपको साइड्स होंगे, एक तो लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, एक मोटाई हो गया। तो इसके जो फेसेस हो गए वो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार, पांच फेस, छह फेस, सिक्स फेसेस हो गए। जैसा कि आपको लूडो जो खेलते हैं आप, उसका जो पासा होता है सिक्स फेसेस है, तो उस तरह के फेस का जो ऊतक होगा वो घनाकार ऊतक कहलाता है। जो स्तंभ के आकार का होगा उसको स्तंभाकार या पक्षमावी भी कहते हैं, है ना। बस उसके शेप के हिसाब से वो किस तरह दिखता है हम उसका नामकरण कर देते हैं। और जो सल्की होता है, सल्क की तरह, उसको स्थगित सल्की कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो एपिथेलियम ऊतक है इसको वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार या पक्षमावी भी इसको कहते हैं, अस्तवित सल्की। क्लियर हो गया? ये एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। अब थोड़ा थोड़ा सा सब में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कहां किन अंगों को बनाता है। ठीक है, तो जैसे कोशिकाओं में रक्त नलिका, अस्तर या कुपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णनात्मक
अगम झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियमी उत्तक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम भी कहते हैं, जो चपटा होता है। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नाल तथा मुंह का जो अस्तर है वह सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। ठीक है, अब आहार नाल का जो अस्तर है और मुंह का जो अस्तर है उसका बना होता है सल्की एपिथेलियम का बना होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सब ध्यान में ये सब रखना होगा। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। क्या क्या बनाया आपका? आहार नली, मुंह का अस्तर और आपका त्वचा सल्की एपिथेलियम ही से बना। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाओं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। देखेंगे आप खोज के देखेंगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत तो ब्लड आ जाएगा अगर हल्का हल्का ऊपर से पूछेंगे, क्योंकि लेयर बाय लेयर यह बना हुआ है। क्योंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित है, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल्की एपिथेलियम भी कहा जाता है, क्योंकि अस्तर में बटे हुए हैं। अब आते हैं कि जहां अवशोषण और श्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर पर लाइनिंग में क्या होता है, अवशोषण होता है, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती है, वह स्तंभाकार एपिथेलियम होता है और एपिथेलियमी अवयव को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक में पक्षमाप होते हैं। पक्षमाप सीलिया समझते हैं, जो पेशीय गति में मदद करता है, जो कि एपिथेलियमी उत्तक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षमाप गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। जो कफ में होते हैं, देखेंगे कि जो कफ का बबल्स है वो उसको क्या करता है, म्यूकस को बाहर करने का काम करता है। ठीक, इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमावी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम जो है वो वृक्क की नली, जो किडनी हमारा है उसकी नली तथा लाल ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती है, जो लाल ग्रंथि मुंह में पाया जाता है, जहां या उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। किसको? वृक्क में है तो वृक्क की नली को, और यदि लाल ग्रंथि में है लाल की नली। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियमी उत्तक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियमी उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहु कोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम भी कहलाता है, क्योंकि ग्रंथि का निर्माण। क्लियर हो गया? इस तरह से एपिथेलियम उत्तक हम लोग समझ गए। मेनली यह हमारी त्वचा को और कई अंगों के बाहरी अवयव का निर्माण करता है, उसका लेयर बनाने का काम करता है। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, है ना। संयोजी उत्तक का मतलब क्या है? जोड़ने वाला। हमारे जो ब्लड है वह भी क्या है, ब्लड की क्या परिभाषा कहते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है ना, यानी ऐसा उत्तक है जो लिक्विड फॉर्म में है। इसे संयोजी उत्तक क्यों कहा गया है, तो क्लियर किए थे पिछले वीडियो में। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय जो मैट्रिक्स होता है उसमें धंसी होती है। ये मैट्रिक्स जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। जैसे आईबीसी का अलग है, डब्ल्यूबीसी का अलग है, कोशिकाओं के हिसाब से उसका बदल गया। उसी तरह से जो हमारा बोन्स है, बोन्स की तरह का जो है वो भी क्या है, संयोजी उत्तक ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग अलग, वो कंकाल उत्तक है लेकिन वहां पे जो देखेंगे लसिका, वहां पे संयोजी उत्तक है।
रक्त में के तरल मैट्रिक्स भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त के दो भाग होते हैं, एक तो लिक्विड वाला पार्ट है और एक सॉलिड वाला पार्ट है। लिक्विड वाला पार्ट को कहते हैं प्लाज्मा और सॉलिड वाला पार्ट को कहते हैं कॉर्पसल्स या कोशिकाएं। प्लाज्मा में आपको जल है, इसके कुछ खनिज लवण है, हम लोग खाना खाते हैं, ग्लूकोज जाता है, वो सभी प्लाज्मा में रहते हैं, प्रोटीन प्लाज्मा में रहता है, और फिर वहीं से आवश्यकता अनुकूल कुछ कौन में इवन कुछ कौन में जाते हैं। जो कोशिकाएं हैं वो तीन तरह की होती हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट। लाल रक्त कण को ही शॉर्ट में जो उसका इंग्लिश में हो जाएगा रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, तो शॉर्ट में उसको आरबीसी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण का शॉर्ट फॉर्म है, व्हाइट ब्लड सेल्स का या हाफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट को प्लेटलेट ही कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीन तरह के कण होते हैं, किसी में कोशिका केंद्रक है, किसी में केंद्रक नहीं है, है ना। तो हमारा जो बोन है, ये क्लियर हो गया। देखिए हम रक्त कणिकाओं को दिखाया गया है, हमारा लाल रक्त कणिका कोशिका है, डब्ल्यूबीसी है, इसमें डब्ल्यूबीसी होता है न्यूट्रोफिल एसनोफिल बेसोफिल लिम्फोसाइट मोनोसाइट, ठीक है। ये सभी आरबीसी में आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में आ जाते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना काम है। देखिए एसनोफिलिया सुनते हुए एसनोफिलिया हो गया, एसनोफिलिया हो गया मीन्स एसनोफिल बढ़ गया है, इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल बढ़ता है, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन है, टाइफाइड वगैरह होगा तो लिम्फोसाइट बढ़ता है। इस हिसाब से डिफरेंट बीमारी में जो ये इंडिकेशन करता है या बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता के अनुकूल इसकी संख्या प्रतिशत संख्या बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अस्थि पे, ठीक है। तो यह अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। बॉडी का निर्माण, बॉडी में तो मसल्स, अगर हड्डी को हटा दिए तो पूरा एक लोथड़ा बन जाएगा मांस, तो उसको एक निश्चित शेप साइज कौन दिया है, कंकाल दिया है, हड्डी दिया है, उपास्थि दिया है, अस्थि और उपास्थि मिलकर यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है, अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के उपयोग होते हैं। जैसे इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कठोर मैट्रिक्स में धसी होती है, और वो मैट्रिक्स किसका बना होता है, कोशिकाएं कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, जिसको क्या कहा जाता है, तो अस्थि बंधन तत्व, अस्थि को बांधने वाला तंतु कहते हैं, फाइबर्स, ठीक है। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है, स्नायु में आघात भी बहुत कम होती, स्नायु तंत्र जो हमारा है उसमें मैट्रिक्स कम होता है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा टेंडन होता है, जो अस्थियों से उपास्थियों को जोड़ता है, ठीक है। तो अस्थि से अस्थि जोड़ने वाला, अस्थि से मसल जोड़ने वाला और अस्थि से उपास्थि को जोड़ने वाला, बोन से कार्टिलेज को जोड़ने वाला, ठीक है। सो टेंडन के कार्टिलेज क्या है, वो भी हड्डी की तरह ही है, हड्डी की अपेक्षा ज्यादा मुलायम होता है। जैसे कि आपका नाक है, कान है, इसको आप देखिए मूव इजिली मूव कर सकते हैं, हाथ की हड्डी को आप इजिली मूव नहीं कर सकते, तो हम जो मोड़ सकते हैं समझिए वो अस्थि नहीं है क्या, उपास्थि, ठीक है। अब एवियोलर जो संयोजी ऊतक है वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है, कौन, एवियोलर कनेक्टिव टिश्यू, त्वचा और मांसपेशी के बीच पाया जाता है, रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है तथा नसों और अस्थि मज्जा, इसको बोन मैरो आप कहते हैं, वेन्स और बोन मैरो में पाया जाता है या अंगों के
भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। कौन? एवियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिएगा कि वसा कहाँ संचित होता है, तो विकृत ऊतक में संचित होता है ना? तो वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक एडिपोज टिश्यू कहते हैं। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इन ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह उष्मा का क्या होता है, उच्चारण हो जाता है। हो गया क्लियर? ये सभी थे कॉन्टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, जो आपके ब्लड थे, आपके बोन्स थे, कार्टिलेज थे, वो सभी क्या है, सब बनाने वाले जो भी टिश्यू हैं वो क्या है, संयोजी ऊतक। क्लियर हो गया? अब आते हैं पेशी ऊतक। पेशी समझ के मांस बनाने वाले ऊतक। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय वेसा या मसल फाइबर कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण ही गति होती है। कभी कभी हाथ को आप मोड़ने की कोशिश करें, देखेंगे एक जगह मसल साकर के बैठ गया। अब पेशी में कुछ पेशी ऐसा है जिसकी गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार चल सकता है। कुछ पेशी ऐसा है जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चल सकता, जैसे आंख की पुतली है, वो अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है? तो हमारी इच्छा से नहीं चलता, जो कहते हैं अनैच्छिक पेशी, इनवॉलेंट्री मसल। कुछ पेशी ऐसा है जो हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, तो उसको कहते हैं ऐच्छिक पेशी या वॉलेंट्री मसल। जैसे हाथों की मसल से हम चाहेंगे तो उसको गति करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है? समझ आ गए? अब यदि इसको आप अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे इसका, तो ये इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लंबी होती है, बेलनाकार होती है, शाखा रहित होती है, बहु नाभीय होता है, एक से अधिक इसमें न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर हो गया? हमारा जो आहार नली है, भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन, ऐसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। ये क्या होता है, स्वतः होता रहता है, तथा इनको कहते हैं अनैच्छिक। मूत्रवाहिनी है, फेफड़ा की श्वसन नली में है, ये सभी अनैच्छिक होते हैं। ऐच्छिक अनैच्छिक हो गया। एक ऐसा मसल है जो कभी जिंदगी में व्यस्त नहीं करता, जब से वो माँ के गर्भ से वो गति करता है, कंटिन्यू गति करता रहता है। ये है हृदय का कार्डियक मसल, जो हमारे हृदय पेशी कहते हैं। तो हमारे हृदय की जो है कोशिकाओं, हृदय में जो भी मसल्स उसका निर्माण करती है, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो बेलनाकार शाखाओं वाली, उनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्र की है होते हैं। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग, ठीक है, तंत्रिका ऊतक में नर्वस टिश्यू, जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी। ठीक, आपको इसमें बताए थे सेल वाले चैप्टर में कि तंत्रिका जो इकाई है वो क्या होता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन की कोशिका, साइटॉन, डेंड्रॉन, ये सब क्लियर किए थे। यदि उसको आप नहीं देख पाए अभी तक, अगर दिमाग से उतर गया तो उसको दोबारा आप देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन में होगा, सारे वीडियोज होंगे, उस वीडियो में आप उसका का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम फीचर सहित बताएं। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। उत्तेजना में संवेदना, संवेदन। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और उस उत्तेजना को बहुत शीघ्र पूरे शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो है सुई चुभता है, आपका हाथ खींचा जाता है, गर्म चीज पर आपका हाथ पड़ेगा, हाथ खींचा गया, क्या उस संवेदना आई मस्तिष्क को गया कि भाई गर्म चीज है, मस्तिष्क का हाथ खींच लो, तो हाथ खींच लेते हैं, ऑर्डर दिया, उस हिसाब से हाथ आपका रिस्पॉन्स किया, रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, अचानक रास्ते पर आपको एक सांप दिख जाता है, ठीक है, आप डर जाते, तो देखा कौन, आंख, मस्तिष्क को संवेदना गई सांप है, ठीक है,
मस्तिष्क आपके पांव को कहा रुको, आप वहीं रुक जाते, स्थिर हो जाते। कितना फास्ट होता है, शीघ्र उसको डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो मस्तिष्क में ब्रेन में भी रज्जु तथा तंत्रिकाएं, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया और तंत्रिकाएं जो भी नर्व्स हैं, ये सभी तंत्रिका उत्तकों की ही बनी होती है। नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है, जो पढ़ चुके हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती है और प्रत्येक न्यूरॉन में पूरा का एक लंबा प्रवर्ध निकला होता है, जिसको एक्सॉन कहते हैं, ये सब समझ चुके हैं हम लोग, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, वो निकले होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से सब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये इसका जो है, ये डेंड्राइट है ना, ये एक्सॉन है, ये यहाँ पे फिर ये पोर्शन दूसरे न्यूरॉन का यहाँ पे आके जुड़ा जाएगा, इसी तरह से बढ़ता चला क्या होगा, रिस्पॉन्स यहाँ ग्रहण हो गया, संवेदना ग्रहण होगा, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर ये दूसरा को दिया, तीसरा को दिया, इस हिसाब से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जहाँ पे जाकर उसको डिसीजन लेना है, जहाँ पहुँचाना है वहाँ तक चला गया। ठीक, तंत्रिका विशेष से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं, नर्वस इंपल्स कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय उत्तकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी कुजीवों में मौलिक है, साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तंतुओं की गति को प्रदान करता है। ठीक है, अब आप टिश्यू को, हाँ, प्लांट टिश्यू हम लोग कल के क्लास में देखे थे, आज हम लोग एनिमल टिश्यू देख लिए। इस तरह से टिश्यू चैप्टर तक चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आप इसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को आप देखेंगे, अब खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको देखेंगे, जो पैरामेट्रिकली या बिहार टीचर या अन्य टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक एक पॉइंट को जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिस ऑब्जेक्टिव की संभावना अधिक है, उसको निश्चित तौर पर एक एक पॉइंट को देखें, कौन कहाँ पाया जाता है, इसका शेप कैसा होता है, ताकि जो क्रिटिकल ऑप्शंस होते हैं जिसमें कंफ्यूजन की संभावना होती है, उसमें आपका कंफ्यूज नहीं होना, उसमें क्लियर कंसेप्ट होते हैं। ठीक, उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य समान होते हैं। पौधों में उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभाजोत्तक उत्तक, स्थायी उत्तक। विभाजोत्तक जिसको मेरिस्टेमिक टिश्यू कहते हैं, यह विभाजित उत्तक है, या पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पौधे को विकास करना, वृद्धि करना। अस्थायी उत्तक विभाजोत्तक से ही बनते हैं, जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल उत्तकों में वर्गीकृत किया गया। सरल में हो गया पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा है ना, और जटिल में हो गया, कॉम्प्लेक्स में हो गया आपको जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जंतु उत्तक में एपिथेलियम उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। एपिथेलियम उत्तक जो होता है वह त्वचा के बाहरी अंगों का निर्माण करता है, ये सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी तथा ग्रंथिल होता है। संयोजी उत्तक हमारे बॉडी में एल्वियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू है ना, उसके बाद अस्थि, बोन, ठीक है, उपास्थि है ना, टेंडन, लिगामेंट, जो बोन को कौन से जोड़ेगा, लिगामेंट, टेंडन, ये सभी जो है, ब्लड, ये सभी क्या है हमारे संयोजी उत्तक। पेशीय उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, हमारे मांसपेशियों का निर्माण करता है, ये वेखित, अवेखित और कार्डियक, वेखित ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक या हृदयक पेशी। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है। इस प्रकार उत्तक का कंसेप्ट आप क्लियर कर लिए। अगले क्लास में हम क्लास 9 के दूसरे चैप्टर्स को लेकर आएंगे।